हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोच। मेरा नाम आकाश शुक्ला और आज है 16 अक्टूबर 2022। आईबीपीएस कंडक्ट कर रहा है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। आज डे टू था, सो देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्या क्वेश्चन आए थे और किस तरीके से फर्स्ट शिफ्ट का जो डिफिकल्टी लेवल था वो सबसे अलग था। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर रीजनिंग की, तो दोस्तों 23 से 24 क्वेश्चन देखे गए पजल पर, जो कि अपने आप में एक अलग बात है। एसबीआई पीओ के जैसा ये बताया जा रहा है, जहां पर रो बेस्ड और सिक्स पीपल वर सिटिंग इन अ रो साउथ एंड नॉर्थ फेसिंग वेरिएबल के साथ अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल था। बॉक्स बेस पजल था 9%, जहां पर बच्चों ने टाइम लिया, 4 से 5 क्वेश्चन थे। ईयर बेस पजल था, 4 से 5 क्वेश्चन थे वेरिएबल के साथ। सो यहां पर जो थे 2 या 3 पजल इस तरह की थी जो कि वेरिएबल के साथ थी, जिसमें बच्चों ने टाइम लिया सॉल्व करने पर। सो ये रीजनिंग थोड़ा सा अटपटा है। यहाँ की जो स्लॉक्स थे वो भी 3-3 कंक्लूजन बेस्ड थे। इनइक्वालिटी, रिवर्स इनइक्वालिटी दी गई थी, कई बार फाल्स और ट्रू भी पूछा गया था, और बाकी क्वेश्चन मिसलिनियस थे। सो इस तरीके से जो रीजनिंग का सेक्शन था दैट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी सेक्शन जो कि कल पूछा गया था। फिर हम बात करें यहाँ पर आपकी अर्थमैटिक की, तो अर्थमैटिक में जो टेबल डी आई थी, टेबल डी आई हमेशा से ही कैलकुलेटिव आ रही है, तो आज भी कैलकुलेटिव आई है। 5 कंपनीज थे, टोटल एम्प्लॉय दिए हुए थे और फीमेल का परसेंटेज दिया हुआ था। फिर 2 टाइप के डिपार्टमेंट दिए हुए थे, ऑपरेशन और एक डिपार्टमेंट और था। इस तरह का टेबल डी आई पूछा था, दैट वॉज कम्प्लीटली कैलकुलेटिव। क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डी आई वॉज ऑल्सो कैलकुलेटिव। फिर हम बात करें जो डी आई थी, एक थी बार ग्राफ पर जिसमें फर्नीचर और टेबल का डेटा दिया गया था, चेयर का निकालना था। इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आते थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, थोड़े से कैलकुलेटिव थे, बच्चों ने जिनमें टाइम लिया। हाँ, अप्रोक्सीमेशन आया 6 क्वेश्चन के आस, 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास थे। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे, जो कि जिनका लॉजिक फाइंड करने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगा। इंग्लिश की बात करें, सोसो था, जैसा कल पूछा जा रहा ऐसा ही था। आरसी था नेचुरल गैस पर, 8 से 9 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन शायद वोकैब पे थे। क्लोज टेस्ट था 5 क्वेश्चन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट था 4 से 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आया है 3 से 4 क्वेश्चन, वर्ड रीअरेंजमेंट आया 2 क्वेश्चन, तो एरर डिटेक्शन भी आया 5 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट के साथ साथ एरर डिटेक्शन भी आए थे 5 क्वेश्चन। सो इंग्लिश तो देखो ऐसा ही आता है, ना बहुत ज्यादा टफ ना ज्यादा बहुत ज्यादा आसान, लेकिन रीजनिंग जो था इस वाली शिफ्ट के अंदर दैट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। दिस इज वॉट आई हैव टू से। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपने रीजनिंग के अंदर 35 में से 22-23 मार्क्स भी कर लिया है, 22-23 क्वेश्चन भी कर लिए, तो इट इज गुड टू गो। अगर क्वांट की बात करें, अगर आपने 35 में से 25, 26 या 24 भी कर लिया तो बहुत बढ़िया है। और अगर हम बात करें इंग्लिश की, अगर इसमें 30 में से आपने 20, 22 भी कर लिया तो बहुत बढ़िया गाइस। थैंक यू वेरी मच।